हेलो एवरीवन वेलकम बैक टू जी चैनल लास्ट मिनट रिवीजन विद आर एस एम एंड हियर एम बैक विद अनदर वीडियो सो आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे जो सेकंड क्वेश्चन पूछा गया था एक्सपोर्ट के बारे में उसके बारे में आज डिस, डिटेल डिस्कशन करेंगे तो अगर आपने पिछला सेशन अभी तक नहीं देखा तो पिछला सेशन को भी देखिए बिकॉज हमने लास्ट सेशन में इम्पोर्ट के बारे में डिस्कस किया था कि एक्जैक्टली exactly जो इम्पोर्ट का क्वेश्चन है उसमें आपको क्या क्या, क्या चीज़ों को ध्यान रखना है तो अगर हम इंपोर्ट के क्वेश्चन की बात करें तो वो हमने सॉल्व कर लिया था आज हम एक्सपोर्ट के क्वेश्चन के बारे में डिस्कशन करेंगे देखो एक्सपोर्ट के क्वेश्चन में सबसे पहली चीज़ आपको हमेशा याद रखनी है और वो क्या है एक्सपोर्ट में एक बेसिक रूल बताता हूँ वो याद रख लो एक्सपोर्ट में जब रेट बढ़ता है तब हमारे लिए प्रॉफिट होता है ठीक है रेट जब भी बढ़ेगा तब हमारे लिए प्रॉफिट होगा और अगर हमारे लिए प्रॉफिट होगा तो एफ ई एफ अकाउंट हमेशा क्रेडिट होगा ठीक है एक्सपोर्ट में जब रूल अगर बात करेंगे कि रेट के बारे में अगर रेट डिक्रीज होता है तो हमारे लिए लॉस होता है और अगर लॉस होता है तो एफ ई एफ अकाउंट जो है वो डेबिट होता है दिस इज द बेसिक दिस इज द बेसिक रूल विच यू हैव टू रिमेंबर ये आपको एग्जैक्ट रूल को याद रखना है अगर हम ये रूल की बात करें तो ये रूल काफी काफ़ी इंपॉर्टेंट है अगर हम ये रूल याद रखेंगे तो ही हम क्वेश्चन को इजीली जो है वो सॉल्व कर पाएंगे चलो लेट अस डिस्कस सबसे पहला पॉइंट सबसे पहला पॉइंट क्या है सबसे पहला पॉइंट है बेस रेट का ठीक है तो आपको सबसे पहले क्या करना है पार्टी का नाम ढूंढना है देखो मानस लिमिटेड एक्सपोर्टेड गुड्स टू शेफर्ड आईएनसी ऑफ़ कनाडा तो शेफर्ड जो है दैट इज द कंपनी दस लाख डॉलर का गुड्स एक्सपोर्ट किया है और दस लाख डॉलर का जो गुड्स है वो एक्सपोर्ट कौन से दिन को किया है फिफ्थ जनवरी को किया है फिफ्थ जनवरी। देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि कौन से दिन को एक्सपोर्ट करता है वो रेट हमारे लिए होता है बेस रेट तो सिक्सटी एट हमारे लिए बेस रेट है ठीक है उसके बाद आपको क्या करना है जितने भी इंस्टॉलमेंट्स है वो सारे के सारे इंस्टॉलमेंट्स एक बार चेक करने हैं और ये भी चेक करना है कि थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद कौन सा इंस्टॉलमेंट जा रहा है देखो सिक्सटीन फेब्रुवरी इज बिफोर थर्टी फर्स्ट मार्च सिक्सटींथ मार्च इज बिफोर थर्टी फर्स्ट मार्च अगर हम ये पॉइंट देखें सिक्सटींथ एप्रिल और सिक्सटींथ मे ये दोनों के दोनों पॉइंट्स हमारे थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद जा रहे हैं मतलब इसके बीच में एक डेट आता है थर्टी फर्स्ट मार्च थर्टी फर्स्ट मार्च ट्वेंटी हमको करना पड़ेगा वैल्यूएशन की एंट्री तो वैल्यूएशन की एंट्री थर्टी फर्स्ट मार्च को होती है और एक एंट्री होती है क्लोजिंग की एंट्री थर्टी फर्स्ट मार्च को होती है तो यही समझ लो वैल्यूएशन कब होता है तो ये मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया है तो सेशंस को ध्यान से देखिए पिछले भी काफी सारे सेशन है अगर आप पहली बार अब चैनल पे आए हो तो आपको प्लेलिस्ट में पूरा फाइनेंशियल अकाउंटिंग का प्लेलिस्ट मिल जाएगा वो सेशन को देखे काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है वो सारे कॉन्सेप्ट्स आपके क्लियर हो जाएंगे तो अस डिस्कस वन बाय वन तो इंस्टॉलमेंट में आपको पता चल गया कि टोटल चार इंस्टॉलमेंट्स है यहाँ पे एंड चारों इंस्टॉलमेंट्स में से हमारे दो इंस्टॉलमेंट जो है दो लाख का दो लाख का मतलब चार लाख का इंस्टॉलमेंट थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद जा रहा है इसके लिए थर्टी फर्स्ट मार्च को वैल्यूएशन का एंट्री होगा और वैल्यूएशन की एंट्री में में भी कैसे अमाउंट आएगा मैं आपको बताता हूँ तो देखो सबसे पहले सबसे पहले हमारी फर्स्ट एंट्री क्या होगी सबसे पहले हमारी फर्स्ट एंट्री होती है पार्टीज अकाउंट डेबिट टू तो एक्सपोर्ट सेल्स तो पार्टी का नाम क्या है शेफर्ड शेफर्ड अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स तो आपका जनरल एंट्री नंबर वन होगा शेफर्ड अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स तो शेफर्ड अकाउंट डेबिट टू एक्सपोर्ट सेल्स दस लाख डॉलर को अगर हम सिक्सटी एट से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आंसर आ जाएगा और आंसर आता है सिक्स करोड़ एटी लैक्स तो ये आपका हो गया फर्स्ट एंट्री चलते हैं अभी डायरेक्टली सेकेंड कंसेप्ट पे सेकेंड आपका होता है इंस्टॉलमेंट तो अभी इंस्टॉलमेंट में मैंने आपको क्या बताया था देखो बेस रेट लेने का बेस रेट तो बेस रेट मैंने बी लिखा है सिक्सटी है अभी कितना रेट हो गया आपका अभी रेट हो गया हमारा 69 तो क्या हुआ रेट बढ़ रहा है तो एक्सपोर्ट में क्या रूल था एक्सपोर्ट में रूल था रेट अगर बढ़ेगा तो प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट होगा तो क्या होगा एफ अकाउंट क्रेडिट होगा तो क्या करेंगे जर्रल एंट्री जरल एंट्री सिंपल है एक्सपोर्ट में हमेशा आपको याद रखना है बैंक अकाउंट जो है वो डेबिट होता है बिकॉज हमको पैसा मिलता है और पार्टी का नाम जो है वो क्रेडिट होता है तो एंट्री क्या बनता है बेसिक जरल एंट्री क्या बनता है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट अभी आप यहां पे चेक करो प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट हुआ है तो एफ ई .E क्या होगा क्रेडिट होगा तो आपकी जरल एंट्री क्या बनेगी आपकी जरल एंट्री बनेगी बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट टू एफ ई एफ अकाउंट ठीक है बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टीज अकाउंट टू एफ ई एफ अकाउंट तो जो भी आपका बैंक है उसमें बैंक का अमाउंट आएगा जो भी आपका एफ ई एफ है उसमें एफ ई एफ का अमाउंट आएगा और जो आपका बेस रेट है उसमें आपको बेस रेट का अमाउंट आ जाएगा ठीक है मैंने आपको क्या बताया था कैसे मल्टीप्लाई करना है बहुत ही सिंपल देखो कैसे मल्टीप्लाई करना है ये जो भी ये इंस्टॉलमेंट रहते हैं इसके बाजू में जो भी रेट दिया रहता है आपको मैंने सिंपल कंसेप्ट बताया था जो भी इंस्टॉलमेंट है उसके बाजू में जो भी रेट दिया है वो हमेशा मल्टीप्लाई करके आपको बैंक में ही लिखना है और ये जो भी इंस्टॉलमेंट दिए है इसको हमको ये बेस रेट के साथ मल्टीप्लाई करना है और ये पार्टी जो है शेफर्ड उसके अकाउंट में लिखना है फोर लैक्स को अगर आप सिक्सटी नाइन से मल्टीप्लाई करोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी और वो जो वैल्यू होगी वो आपको किस में लिखनी है वो आपको वैल्यू लिखनी है बैंक में देखो यहाँ पे आ गई वैल्यू यहाँ पे वैल्यू आ गई टू करोड़ सेवेंटी सिक्स लैक्स फोर लैक्स यहाँ पर आ गया और ये वैल्यू यहाँ पे आ गई तो ऐसे ही आपको हर एक पॉइंट के बारे में करना है एंड ऐसे ही आपको हर एक मल्टीप्लीकेशन भी करना है चलो आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में जाते हैं अभी सेम कंसेप्ट है वैल्यूएशन में मेजर पार्ट बताऊंगा अभी ध्यान रखना ठीक है चलो अभी नेक्स्ट पॉइंट को ध्यान से देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या हमारा, है हमारा नेक्स्ट पॉइंट है हमारा रेट बन गया 70 तो 68 रेट था 70 बन गया रेट बढ़ गया एक्सपोर्ट का वैरायटी है एक्सपोर्ट में रेट बढ़ता है तो क्या होता है प्रॉफिट प्रॉफिट होएगा तो एफ एफ क्या होगा आपका क्रेडिट तो सेम एंट्री अभी जो किया वही एंट्री आपका बनेगा सेम एंट्री आपको करना है लेटेस्ट डिस्कस देखते हैं सेम एंट्री हुआ है कि नहीं तो अगर हम देखें तो सेम एंट्री देखो बैंक अकाउंट डेबिट बैंक अकाउंट डेबिट एफईफ क्रेडिट स्टीफन क्रेडिट ठीक है चलो अभी मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पे आ जाते हैं एक बार और वो है हमारा वैल्यूएशन का कंसेप्ट ठीक है अभी वैल्यूएशन में आपको बताता हूँ ध्यान से सुनना ये ये बहुत लोगों को ये वैल्यूएशन का कंसेप्ट ही क्लियर नहीं है तो अभी क्या करना है हमको सबसे पहले बेस रेट लिखना है बेस रेट हमारा कितना है बेस रेट हमारा 68 है बेस रेट लिखने के बाद आपको सीधा पैराग्राफ में पढ़ते जाना है पैराग्राफ में देखो यहाँ पे आपको 31 मार्च का रेट दिया था बेस रेट को आपको किससे कंपेयर करना है आपको 31 मार्च के रेट से कंपेयर करना है 31 मार्च का रेट है 65 ठीक है 68 है 65 हुआ तो पहले इसका डिफरेंस ढूंढना है डिफरेंस कितना है तीन रुपया 68 का सिक्सटी हुआ रेट क्या हो गया रेट कम हो गया अगर रेट कम हो गया तो हमारे लिए लॉस होता है एक्सपोर्ट में तो एफ ई एफ अकाउंट क्या होता है आपका एफ ई एफ अकाउंट आपका डेबिट होता है ठीक है तो आपकी वैल्यूएशन की एंट्री क्या बनेगी वैल्यूएशन की एंट्री बनेगी एफ ई एफ अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम स्टीफन ठीक है जो भी नाम है पार्टी का तो आपका मल्टीप्लीकेशन कैसे बनेगा मल्टीप्लीकेशन देखो थर्टी फर्स्ट मार्च के बाद कितने इंस्टॉलमेंट पेंडिंग है ये अप्रैल का एक है मई का एक है दो लाख और दो लाख चार लाख पेंडिंग है तो आपका मल्टीप्लीकेशन कैसे आएगा चार लाख मल्टीप्लाइड बाई तीन तो आपका अमाउंट आ जाएगा बारह लाख ठीक है तो बारह लाख आपका अमाउंट आना चाहिए लेट अस डिस्कस बारह लाख आया है कि नहीं सिंपल कैलकुलेशन है देखो एफई अकाउंट डेबिट टू स्टीफर ठीक है अमाउंट कितना है अमाउंट है बारह लाख कैसे आया वो भी मैंने आपको एक्सप्लेन अभी किया है दैट इज द पॉइंट वी हैव टू रिमेंबर ठीक है उसके बाद एक क्लोजिंग का एंट्री होता है एफईफ जितने बार क्रेडिट हुआ प्लस करो जितने बार डेबिट हुआ माइनस करो अभी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट अभी ध्यान रखना अभी क्या करना है जैसे ही थर्टी फर्स्ट मार्च हो जाता है जैसे ही थर्टी फर्स्ट मार्च हो जाता है वैसे ही आपका बेस रेट जो है वो चेंज हो जाता है बेस रेट चेंजेस आफ्टर थर्टी फर्स्ट मार्च योर बेस रेट विल चेंज नाउ बेस रेट क्या बनेगा अभी आपका बेस रेट बनेगा 65 ठीक है अभी बेस रेट 65 बनेगा पहले बेस रेट क्या था 68 था अभी 68 बेस रेट नहीं रहेगा अभी आपका बेस रेट 65 बन जाएगा इंस्टॉलमेंट चेक करते सिक्सटी सेवन बना सिक्सटी फाइव का सिक्सटी सेवन बना बढ़ गया मतलब प्रॉफिट फिर से एफ एफ क्रेडिट हो जाएगा सिंपल कंसेप्ट चलो फिर से आगे बढ़ते हैं बेस रेट कितना बना बेस रेट अभी हमारा है सिक्सटी फाइव पहले से सिक्सटी फाइव था यही सिक्सटी फाइव है और अभी आप अगर मे का इंस्टॉलमेंट देखो तो मे के इंस्टॉलमेंट में कितना है रेट सिक्सटी फाइव ही है तो ये सिक्सटी फाइव सिक्सटी फाइव डिफरेंस कुछ भी नहीं है नील है इसका मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस और अगर नो प्रॉफिट नो लॉस आता है तो आपको क्या करना है आपको एंट्री में एफ एफ .E लिखना ही नहीं है आपका जनरल एंट्री क्या बनेगा सिंपल बनेगा बैंक अकाउंट डेबिट टू पार्टी का नाम दैट विल बी द सिंपल कंसेप्ट ये थे हमारे दो एम क्वेश्चन जो हमने सॉल्व किए

ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन आया था तो हो सकता है इस बार डायरेक्ट ट्वेंटी मार्क्स का क्वेश्चन आ जाए हो सकता है इस बार भी दस दस मार्क्स के क्वेश्चन आ जाए कैसे भी आ सकते हैं हमको हर साइड से प्रिपेयर रहना है अगर हम लोग सभी साइड से प्रिपेयर रहेंगे तो हमको कोई प्रॉब्लम्स इस चैप्टर से रिलेटेड नहीं होंगी तो अगर आपको ये सीरीज अच्छी लग रही है तो लाइक like करें अपने फ्रेंड्स में शेयर करें बिकॉज आप जितना लाइक like करेंगे उतना यूट्यूब का एल्गोरिदम इस वीडियो को आगे पहुँचाएगा और काफ़ी ज़्यादा बच्चों को इसका बेनिफिट हो पाएगा थैंक यू वेरी मच मैं मिलता हूँ आपको अगले सेशन में बाय बाय टेक केयर